Hello students, welcome to our new session. Now you are in 9th standard and that is very important year for you. आज हम लेके आए हैं साइंस से पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग. तो ये लेसन में मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मैटर. मैटर क्या है? मैटर इज द वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो कोई टाइनी पार्टिकल से बना है, जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मतलब के छोटे छोटे सब्सटेंस, अगर ये मार्कर की बात करूं तो ये मैटर है, ये बोर्ड की बात करें तो ये मैटर है, सन की बात करें तो वो मैटर है. कोई भी चीज जो हमारे आजू बाजू में है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अप ऑफ मैटर, उसे हम एक ऐसा सब्सटेंस कहते हैं जो मास रखता है, विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना एक मैटर होता है. तो ये मैटर की डिफाइन है कि मैटर इज सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड टाइनी पार्टिकल्स से बना. यहाँ पे अगर हम मास की बात करें तो मास क्या है? मास मतलब कि वो मैटर कितने एटॉम से बना है, उसे हम मास कहते हैं. और मास यूनिवर्सल है, चाहे वो हमें अर्थ पे मेजर करना हो या हमें मून पे मेजर करना, वो सेम रहता है. मास में चेंज नहीं होता है, बट वेट में चेंज हो जाता है. मतलब कि मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास, जो मास यूनिवर्सल है एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. एग्जाम्पल है नोटबुक, सन, पेन, स्टार, एप, जो भी आपके आजू बाजू में सराउंडिंग में. नेम ही है लेसन का मैटर इन अवर सराउंडिंग. हमारे सराउंडिंग में जितने ऑब्जेक्ट है दैट ऑल आर मैटर. क्लियर? मैटर समझ लिया? नाउ मैटर जो टाइनी पार्टिकल्स से बना है, तो वो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी. तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट आर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, देन दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स की तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. वो अब एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ. अभी ये जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने समझ ली, लेकिन हमें इसे डिटेल में समझना है कि कैसे मैटर में कैसी होती है. मतलब कि सपोज दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो मैटर तो तीन टाइप के भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मैटर है. तो तीनों स्टेट में मैटर होती है, तो किसमें कितना ज्यादा मूविंग होता है, किसमें कम होता है, किसमें नहीं होता, ये सब हम डिटेल में समझेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या है वो डिटेल करेंगे. सबसे पहले करेंगे दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल, सपोज मैं एक एग्जाम्पल बताऊ, तो एक ग्लास में हमने वाटर ले लिया है, ग्लास में हमने वाटर ले लिया. नाउ इसे स्टेडी रखना है, बिना हिलाए डुलाए उसे स्टेडी रखो सेम पोजीशन में. और उसके बाद इसमें हम कोई भी कलर का इंक डाल देते हैं. सपोज हमने रेड इंक डाली या ब्लू इंक डाली, तो वो वाटर विद इन अ 2 or 3 seconds पूरा उसका कलर चेंज हो जाएगा. अगर हमने ब्लू इंक डाली है तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, रेड इंक डाली है तो वो रेड कलर का हो जाएगा. तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो इंक के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स मूविंग होने लगे. मतलब कि पार्टिकल्स पजेस अ काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करती. काइनेटिक एनर्जी मतलब कि मूविंग करना, पोटेंशियल मतलब कि रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मीन्स पार्टिकल्स का मूविंग करना. तो वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग. हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो मूविंग करते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं. तो जैसे ही हमने इंक डाली, हमें दिख रहा है कि कलर चेंज हो गया. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकल्स आर मूविंग. एज द टेम्परेचर राइज, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स भी फास्टर मूव करेंगे बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. क्योंकि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं. सो द पार्टिकल्स आर मूविंग फास्टर.
ये चीज है। अभी कैसे किस में कितना मूविंग होता है, मतलब सॉलिड में क्या, लिक्विड में क्या और गैस में क्या, तो मूवमेंट इज पार्टिकल्स मूविंग कंटिन्यूअसली, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कैसी मूवमेंट होती है। मूवमेंट इज मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में मिनिमम है क्योंकि सॉलिड का स्ट्रक्चर हमें पता है कि वो टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड, तो उसमें मूव करने की क्षमता बहुत ही कम है, तो मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड में ज्यादा है, मोर इन लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, थोड़ी सॉलिड से अलग अलग है, थोड़ा स्पेस रखते हैं, तो मोर इन लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा है और गैस से कम, एंड मैक्सिमम इन गैसेस, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से काफी दूर फैले हुए होते हैं, तो मैक्सिमम इन गैसेस। मूवमेंट कैसी है सॉलिड में, मिनिमम, मोर इन लिक्विड देन सॉलिड एंड मैक्सिमम इन गैसेस, क्लियर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो कि सबको अच्छे से समझ आया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मैक्सिमम मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, उसमें स्पेस है, पार्टिकल्स जब भी है, जो भी पार्टिकल्स से मैटर बना है तो उसके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस है, कैसे पता चलता है उसका भी हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। सपोज हमने ग्लास ऑफ वाटर लिया है, तो हमने यहाँ तक ग्लास ऑफ वाटर का मार्क कर दिया, यहाँ तक, अभी हम इसमें एक स्पून या दो स्पून शुगर और सॉल्ट डाल देते हैं, शुगर और सॉल्ट वॉट एवर कुछ भी डालो, तो आफ्टर सम टाइम विद इन 5 or 10 seconds वो स्टराइल करके मिक्स करेंगे तो वो उसमें टोटली मिक्स हो जा रहा है, बट क्या वॉटर का लेवल बढ़ रहा है, नहीं, वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा, वाटर का लेवल यही का यही है, इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्ट और शुगर कहाँ मिक्स हो गए, पार्टिकल्स के बीच बीच में जहां भी स्पेस है वहां वो फिक्स हो चुके, तो पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम, सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, और यहाँ पे हमने वो एग्जांपल शुगर सॉल्ट या शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन लेके कर लिया कि एक वाटर को ग्लास में भर के उसे मार्क कर दिया, आफ्टर उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड करने के बाद वापस हमने लेवल मेजर किया, दैट सेम लेवल इज प्रेजेंट, सो पार्टिकल्स हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम, क्लियर। यहाँ पे स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, कैसी स्पेस होती है पार्टिकल्स में, तो अगेन मिनिमम इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड की अरेंजमेंट हमने देखी, तो उसमें पार्टिकल्स की स्पेस कम होती है। अगर हम शुगर या सॉल्ट को किसी सॉलिड चीज में मिक्स कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मिनिमम होता है स्पेस, बहुत ही मिनिमम, किसी भी एक्स्ट्रा चीज को ऐड करने की जगह नहीं है। नेक्स्ट, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में हमने आसानी से मिक्स किया, तो सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में ज्यादा है, तो मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही फैले हुए हैं, फार फार है, दूर दूर है, तो मैक्सिमम इन गैसेस। अगेन सेम, इसी की तरह पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स भी सेम है, मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस, क्लियर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया आप सबको, फाइन। नेक्स्ट, दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी हम समझ रहे हैं। एक सपोज ये मैंने एक नल बना लिया और यहाँ से नल से पानी जा रहा है, आपने कभी कभी खेल खेल में भी ऐसा खेला होगा कि नल से पानी जा रहा है, बीच में हम हाथ डालते हैं, उंगली डालते हैं, तो भी पानी वहां से नीचे आ रहा है, अगर हम यहाँ पे बीच में उंगली कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स यहाँ पर टकरा के ऐसे घूम के वापस यहाँ से मिक्स हो जा रहा है, क्यों मिक्स हो जा रहा है, यहाँ से पार्टिकल्स, ये वाले पार्टिकल्स को यहाँ से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर कैसे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा होगा, अभी बताओ सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, कौन सी मैटर में, ऑब्वियस सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, मतलब लिक्विड में ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, इंटरमीडिएट,
और नेग्लिजिबल इन गैसेस, गैसेस के मॉलिक्यूल्स अगेन बहुत ही दूर दूर फैले हुए हैं, सो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, कम मानी नेग्लिजिबल नहीं के बराबर होता है. तो मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड नेग्लिजिबल इन गैसेस. क्लियर बच्चों? यहाँ पे हमने मैटर की डिफाइन की, व्हाट इज मैटर समझा, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स हमने डिटेल में की तीनों. अच्छे से आप देखना और इसे एनसीईआरटी से वापस एक बार ये टॉपिक पढ़ना तो अच्छे से समझ आएगा. थैंक यू.